दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पौधे का टॉनिक। आप किसी भी पौधे में आप ये टॉनिक बनाकर डाल सकते हैं। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो मैं चलिए बनाती हूँ आपका पौधे का टॉनिक, और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देता है। मैं इसे यूज करके देखी हूँ, तभी मैं ये वीडियो आपके सामने लाई हूँ। आप इसे अच्छे से देखें। पहले मैं चाय की पत्ती पानी में उबाल ली हूँ, थोड़ी सी, एक कप पानी में। और मैं एक चम्मच उबाली हूँ चाय की पत्ती, जिसे मैं यहाँ रखी हूँ। और इसे आप ज़्यादा पानी डाल करके, और इसमें गुड़ वगैरह कुछ भी ना डालें, और बस किचन जो ग्रीन वेस्ट है ना, उसे आप डालें। जैसे मैं देखी, ये मैं डाल रही हूँ पालक, ये ऑरेंज, आए गोभी, गोभी के टुकड़े छिलके, और मटर, ये सभी को आप डाल दें। और बहुत इजली ये 4-5 दिनों में तैयार हो जाता है। इसे आप छाए में रखें या धूप में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे 5 दिन, अगर ज़्यादा मात्रा में आपको बनाना हो तो आप बड़ा डब्बा लें और इसमें बनाएं। और देखिए, ये मेरा तैयार हो गया। इसमें आप पानी और भर सकते हैं, या चाय की पत्ती हो आपके उस वो भी डाल सकते हैं। और ये बनाने के लिए आप 4-5 दिन छोड़ दें, और चारों तरफ मिट्टी खोद करके 5 दिन बाद आप पौधे के गुलाब हो, चमेली हो, बेला हो, गुड़हल हो, या नीम की पत्ती हो, कोई भी प्लांट हो, आप इसमें डालें और देखिए इसका रिजल्ट। आपको 4-5 दिन आप डालने के बाद, 8 दिनों के बाद इसका रिजल्ट आप पाएंगे। देखिए सॉरी, इसका देखिए दो दो ब्रांच मेरे निकल चुके हैं इस प्लांट में, जो बहुत दिनों से ग्रोथ नहीं हो रहे थे। और मैं इसे डाली, इसे मैं बनाई हुई डाली, और ये 8-10 दिनों के बाद चारों तरफ से छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगी, देखिए। और ये बहुत ही इजली यह ग्रोथ होने लगा। इसलिए आप एक बार ज़रूर बनाएं और अपने प्लांट में डालें। और अगर हो सके तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर प्लांट में कोई कीड़े हो या पत्तियां बड़ी नहीं हो रही हैं साइज की, तो आप ऊपर में स्प्रे कर सकते हैं। और अगर स्प्रे करें या ज़मीन में चारों तरफ खुदाई करके आप थोड़ी सी डालें, और थोड़ी सी आप डाल सकते हैं, एक कप डाल सकते हैं, 2 कप डाल सकते हैं, चारों तरफ किनारे किनारे हर प्लांट में, और आप हर गमले में डाल सकते हैं। और इसका आपको 15 दिन 10 दिन में रिजल्ट आपको इतना बढ़िया मिलेगा, और आपका सूखा हुआ जो प्लांट होगा वो भी ग्रीन हो जाएगा, एकदम हरा भरा। आप देखिए रिजल्ट मैं आपको दिखा ही रही हूँ। तो आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। और ये मैं डाली ऑरेंज और पालक और गोभी के टुकड़े, और अगर आप केले के छिलके भी डाल सकते हैं, अंडे के छिलके डाल सकते हैं, और भी कुछ हो, अनियन हो, आप कुछ भी डालें, ग्रीन हो, किचन ग्रीन वेस्ट आप डालें और आप इसका रिजल्ट देखें। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।